अस्सलामुअलैकुम आनंद न्यूज के साथ मैं हुरवा बग। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद बहाल हो गया, जिसकी तस्दीक उन्होंने ट्विटर अकाउंट के जरिए ही की। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी का ट्विटर अकाउंट गुज़िश्ता रात हैक हुआ, जिसकी आज सुबह को सियासी रहनुमा की जानिब से तस्दीक की गई। लेकिन अचंभे की बात यह है कि कुछ देर बाद फवाद चौधरी ने तस्दीक की ट्वीट भी डिलीट कर दी। एसएसपी जिला साउथ सैयद असद रजा और एएसपी राणा दिलावर हुसैन की निगरानी में एसएचओ डिफेंस जुल्फिकार अली की जराइम पेशानासे के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला न थम सका। पंचायत के दर्जनों मुकदमात में मुलविस मुलजिम डिफेंस पुलिस के हाथों गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त आमिर उर्फ कचरा वाल इकबाल के नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे से 1200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम शहर भर में मंशियात की सप्लाई और फरोख में मुलविस हैं और इसी हवाले से पुलिस को मतलूब थे। मुलजिम आदि जराइम पेशा हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मजीद तफ्तीश जारी है। सवाबी रंगेज अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल नौजवान फायरिंग से जा बहक। मानकी गांव में नामालूम वजूहात की बिना पर गोली लगने से मोहम्मद अदनान वल मोहम्मद कमाल मौके पर जा बहक। रेस्क्यू 1122 टीम मौके पर पहुंचकर लाश को छोटा लाहौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बदीन के शहर नंदू के मुख्तलिफ देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं, जबकि इंतजामिया भी उनकी ताहाल कोई इमदाद नहीं कर सकी है। जिला बदीन भी हालिया बारिशों से शदीद मुतासिर हो चुका है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। बदीन के शहर नंदू की देहा पनोरकी के जाफर बडल अली दिनो शाह समेत मुख्तलिफ देहात ताहाल पानी में डूब चुके हैं, जबकि ताहाल ना तो कोई इंतजामिया का बंदा पहुंचा है और ना ही कोई मुंतखिब नुमाइंदा। मुतासरीन का मजीद कहना है कि उनके इलाकों में सेम नाला ना होने के बायस हर बार उन्हें तबाही का सामना करना पड़ता है, जबकि इस बार आने वाले सैलाब और बारिश में होने वाला नुकसान बहुत बड़ा है। मुख्तलिफ देहात के मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि उनके इलाकों से पानी का अखराज करके उन्हें भी मुतासरीन में शामिल किया जाए और उन्हें इमदाद फराहम की जाए। इसमें जो 3-4 गांव हमारे तो नज़दीक नज़दीक है, एक गांव जाफर पंवर बुडल पंवर अली डिनू शाह सुमार पंवर, इसमें हमारे मसाइल तो बहुत हैं। पहले तो हमारी तालीम तबाह हो चुकी है, उसके बाद हमारे घर जितने भी हैं जो एक तो मुकम्मल डैमेज हैं, दूसरे जो खड़े हैं वो भी डैमेज हैं, वो भी ख़त्म है। जो जड़ उनकी है पानी के अंदर है वो ख़त्म है। उनके अलावा हमारे पास फिल फॉर पानी निकालने का कोई इंतज़ाम किया जाए, हम डीसी ज़िला इंतज़ामिया सिंध इंतज़ामिया को अपील करते हैं कि हमारे साथ कुछ किया जाए। हम अब देख रहे हैं हमारे मसाइल, तो आप देख रहे हैं हमारे मसाइल क्या है। पड़ोस का देख रहे हैं, स्कूल देख रहे हैं, मस्जिद देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारे भैंसों देख रहे हैं, माल देख रहे हैं, मसाला तो खुद आप देख रहे हैं, बताते हैं मैं भी बताता हूँ। तो अभी जो कुछ हमारे मसाल पहले शुरू जो मसाला पहला पहला है वो पानी का है। अगर ये पानी निकलेगा तो हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हमें अपनी मदद अपने खुद खुद करते हैं। अभी तक जब तब हमारे पास कोई भी नहीं आया, हम तो खा रहे हैं ना। एक सिर्फ ये तंजीम कराची की और उसमें फौजी आए थे जिसने एक हफ्ते का राशन दिया था हमको और मदद जो की तो उन्होंने और खाना भी खिलाया। मुंजो दाड़ो वसीम मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मुंजो दाड़ो के साथ में डोकरी में समाजी इत्तेहाद के जानिब से डोकरी शहर में 20 सालों से कायम नादरा ऑफिस को लड़काना मुंतकिल करने पर भिटाई प्रेस क्लब से नादरा ऑफिस तक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर इरशाद एजाज मेहरान उमैर नदीम की जानिब से नादरा अथॉरिटी से मुतालबा करते हुए कहना था कि डोकरी शहर में मौजूद नादरा ऑफिस के मुंतकली प्रोसेस बंद किया जाए। शहर में मौजूदा सोशल वेलफेयर के ऑफिस में नादरा को शिफ्ट करके नादरा के पुरानी बिल्डिंग को खोला जाए और साथ साथ नई बिल्डिंग बनाई जाए। रोजनामा मेरा मुल्क कराची लाहौर सरगोधा इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब।
आप आज ही पढ़े रोजनामा मेरा मुल्क। सुपरमार्केट पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई, मंशियात सप्लाई इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम खुफिया तौर पर लियाकताबाद के हदूद में मंशियात सप्लाई कर रहा था। मुलजिम की गिरफ्तारी खुफिया इतलात की बुनियाद पर की गई, जबकि मुलजिम नहायती होशियारी से इलाके में मंशियात सप्लाई करने का काम करता था। मुलजिम की शनाख्त जमील उर्फ मल्ला वल मोहम्मद अयूब के नाम से हुई, जबकि दौरानी गिरफ्तारी मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 230 ग्राम हीरोइन और नकद जरे फरोख की बरामद हुई। मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन इंकशाफ किया कि वो माल बलूचिस्तान से लाता है और लियाकताबाद और इतराफ के इलाकों में सप्लाई करता है। मुलजिम इससे कबल भी सुपरमार्केट थाने में 2018, 2020 और 2021 में मजमूई तौर पर 4 बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। न्यू कराची सन्नती एरिया पुलिस का खमीसा गोट में टारगेटेड ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान 3 मंशियात फरोश पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान में अताउल्ला अबड़ो, अंसर अबड़ो और मल्ला राशिद शामिल हैं। कार्रवाई एसएसपी सेंट्रल के अहकामात पर की गई। कार्रवाई में 3 किलो से जायद चर्स पुलिस ने कब्जे में ले ली। गिरफ्तार मुलजिमान पहले से रिकॉर्ड याफ्ता हैं और मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने खुफिया इतला पर खमीसा गोट में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। दौरान ड्यूटी पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से आमना सामना। फायरिंग के तबादले में मुलजिम स्ट्रीट क्रिमिनल हलाक। जाए वकुआ से हलाक मुलजिम का मोटरसाइकिल, पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया। पुलिस स्टेशन ईदगाह की हदूद में मोटरसाइकिल गश्त और चेकिंग पर मामूर पुलिस जवानों की जानिब से रुकने पर मुलजिम ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। पुलिस पार्टी की बरवक्त कार्रवाई और दिलेराना हिकमत अमली से फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद फैसल के नाम से हुई। मुलजिम को सिविल हस्पताल कराची मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मुलजिम डकैतों के दौरान शहरियों को जख्मी करने की वारदातों में मुलव्वस था। मुलजिम का सबका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है और मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी साउथ और एसएसपी सिटी की जानिब से पुलिस पार्टी की हौसला अफजाई के लिए नकद इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान कर दिया गया। थाना टीपू सुल्तान पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम को खुफिया इतला पर कार्रवाई करके गिरफ्तार किया गया। स्ट्रीट क्रिमिनल मुलजिम जिसका नाम सलमान वल्द आरिफ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 1 पिस्टल राउंड बरामद कर लिए गए। मुलजिम के जेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल थाना बलोच कॉलोनी से चोरी शुदा है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा असलहा एक्ट दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबरा जनरल माइकल एरक का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेने के लिए टीम भेज रहे हैं। जनरल माइकल एरक ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोनिक रबते में सैलाब की तबाहकारियों और नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी अलामिये के मुताबिक अमरीकी टीम सैलाब की तबाहकारियों और दीगर उमूर का जायजा लेगी और USAID की इमदाद के उमूर तय किए जाएंगे। हेडलाइंस आपने मुलाइजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनएन न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।